जनपद में गोरखपुर महाराजगंज से स्थानीय प्राधिकरण के लिए चुनाव के लिए दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें भाजपा की तरफ से सीपी चंद ने 4 सेट में व सपा की तरफ से रजनीश यादव ने 2 सेट में नामांकन किया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन है और 23 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में जिस पर भी प्रत्याशी का नामांकन पत्र वैध पाया जाएगा वही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बाकी लोगों को यहाँ बैठा दीजिए, एक सीट के लोग एक बार अंदर 5 मिनट में आ जाएंगे। नहीं नहीं, कितने भी समय में आए, मतलब एक सीट के आदमी एक बार में चले जाए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। आज हमारे जनपद में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में नामांकन हुए। आज 2 लोगों ने नामांकन किया, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री सीपी चंद चामुंडेश्वरी प्रताप चंद जी ने 4 सेट में नामांकन किया और दूसरा समाजवादी पार्टी की ओर से श्री रजनीश यादव जी ने 2 सेट में नामांकन किया। इस प्रकार से आज कुल नामांकन 2 व्यक्तियों के प्राप्त हुए। सर, कितने तारीख नामांकन की कल अंतिम तिथि है, कल अर्थात 22 तारीख को 3 बजे तक जो भी नामांकन प्राप्त होंगे, 23 को इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में जो वैध पाए जाएंगे, जिनके भी आवेदन वैध पाए जाएंगे और उनका जो मतदान होगा वो 9 अप्रैल को और मतगणना 12 अप्रैल को होगी।